हमारे संजय शर्मा जी ने मुझे बताया कुछ 5-6 पेड़ हैं यहाँ गिरमाला अमलतास के, और ये अमल यानी मल को रहने देता काफ़ी सुंदर। इसी समय मार्च से अप्रैल के बाद अब मई का महीना चल रहा है और ये क्या सुंदर फूल आ रहा है। फिर ऐसी ही फुलियाँ बनेंगी, इन फूलों में से गत वर्ष की फुलियाँ है जो अभी तक नहीं टूट के गिरी, अब टूट के गिर रही हैं गर्मी में धीरे धीरे। अमलतास मल को टिकने नहीं देता, इसलिए इसका नाम अमलतास। और ये किसी भी उम्र वाले को खिलाया जा सकता है, छोटे शिशु से लेकर वृद्ध बुजुर्ग गर्भवती स्त्री। इन फलियों को तोड़ने पर बीज और बीज के दोनों ओर एक नेचुरल शुगर जिसमें गुड़ जैसे कलर का, शिलाजीत जैसे कलर का वो क्या निकलता, गुदा। उस गुदे को रात को मिट्टी के पात्र में भिगो दो और सुबह मसल छान कर पी जाओ। कब्ज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, छाले, घाव, आंखों में सूजन, पेट की समस्त समस्याओं को धीरे धीरे पूर्णतः जड़ मूल से खत्म कर देता है। तो जब आंतें मजबूत होंगी, यकृत मजबूत होगा, पाचन अंग सभी मजबूत होंगे तो हमारे पाचन शक्ति बढ़ेगी और कब्ज का नाश भी होगा और हमारे शरीर में खून भी अधिक बनेगा और दुर्बलता भी दूर होगी, क्योंकि कब्ज, पेट की खराबी, अपचन, गैस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये जो पेट की समस्याएं हैं यही हमारे शरीर की कमजोरी का कारण है। हमारे शरीर की स्फूर्ति या आलस्य सब इसी पर डिपेंड है। हमारी उम्र अधिक होगी या हम जल्दी मरेंगे, बुढ़ापा जल्दी आएगा, ये सब जठराग्नि के अधीन है। ये आयुर्वेद में बड़े बड़े ग्रंथों में चरक, बाघवत, सुश्रुत, सभी भाव प्रकाश, निघंटू, सभी ने बताया कि जठराग्नि के अधीन ही हमारी वाणी है, जठराग्नि के अधीन ही हमारा बल है, जठराग्नि के अधीन ही हमारा जीवन है और हमारी आयु भी जठराग्नि के अधीन, और हमारी जठराग्नि हमारे आचरण के अधीन, हमारे चरित्र के अधीन, और हमारे गुरु जी और मैं उनके साथ हमेशा इसी चीज़ पर गौर करते हैं कि नेचुरल जीवन, प्राकृतिक जीवन। अभी हम एक और कोशिश कर रहे हैं कि मिट्टी के पात्रों में भोजन बनाने से मिट्टी के जो एसेंस मिलते थे प्राकृतिक नेचुरल, हमारे गांव में सिंपू काली मिट्टी का यूज़ करते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो आजकल के आधुनिक के पढ़े लिखे लोग यकीन नहीं करते, उनको पिछड़ा और मंदबुद्धि मानते हैं, लेकिन ये चीज़ें आज साइंस भी सिद्ध कर रहा है और देश विदेश वाले भी मान रहे हैं, बाबा रामदेव जैसे लोगों की वजह से, योगाचार्य, आयुर्वेदाचार्यों की वजह से, कि वास्तव में ये कितने उपयोगी हैं। अब ये जो आप सुंदर सुंदर फूल देख रहे हैं, इन फूलों से और भी, उधर एक पेड़ है वहाँ दूर, काफ़ी दूर है वो, बड़ा सा वो पीला पीला जो दिखा है आपको, वो इससे भी बड़ा है। तो इसके कुछ औषधि महत्व फटाफट और जल्दी से, ये जो फूल गुरुजी बता रहे हैं, ये जो फूल है इससे सब्जी बनाई जा सकती है, इस फूल से गुलकंद बन सकता है, जैसे गुलाब के फूलों से गुलकंद बनता है, और गुलकंद से भी पेट के सूजन, अल्सर, पेट साफ ना होना, कब्ज, एसिडिटी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाथों में घाव आदि रोगों का उपचार इसके गुलकंद या इसका पाउडर ही करके रख लें सूखे फूलों का और मिश्री के साथ खाएं। सर्दी की ऋतु हो तो गुड़ के साथ खाएं, गर्मी की ऋतु हो तो मिश्री के साथ खाएं। अब कब्ज सौ रोगों की जड़ है, पेट की गड़बड़ी सारे रोगों की जड़, सारे पाचन तंत्र, पेट साफ न होना, मलावरोध के लिए ये जो है अचूक है अमलतास। इसका नाम किरमाला भी है, पुष्पा भी, क्योंकि इसके पुष्प आप देख रहे हैं कितने सुंदर। तो अमलतास की फली का गुदा 15 से 20 ग्राम गुदा लीजिए, 7-8 नमक का द्राक्ष, दोनों को रात को भिगो दीजिए और सुबह मसल कर छान कर पी जाइए। हो सके तो मिट्टी के बर्तन में ही रखिए। आंतों में एंजाइम बनने लगेंगे, आंतों में पाचक रस बनने लगेंगे। अगर हमारी आंतें हमें खराब भी कर ली हो खान पान, गलत खान पान से, तो ठीक होने लगेंगी, धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी आंतें। और मृदु विरेचक का काम करता है, किसी की भी आंतों को बिना नुकसान पहुंचाए, छोटे बच्चे हो, गर्भवती स्त्री, वृद्ध, कमजोर आंत वाले कोई भी हो, जवान भी हो तो वो भी ले सकते हैं। सभी को सूटेबल, सभी ऋतुओं में, सभी उम्र वालों के लिए, कम ज़्यादा मात्रा भी थोड़ी बहुत हो जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सभी को नेचुरल तरीके से कब्ज से छुटकारा दिला सकता है। कितने वर्षों पुरानी कब्ज हो वो बीमारी कट जाएगी। 2-3 माह के शिशु को भी नाभि के चारों ओर अमलतास का गुदा और थोड़ी सी हींग, नाभि के चारों ओर थोड़ा सा उसका लेप कर दे तो आफरा, पेट दर्द या जो भी होगा, पेट साफ नहीं हो रहा वो सब ठीक हो जाएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, सूजन, घाव, अल्सर, एसिडिटी, सब में 1-2 ग्राम धनिया का पाउडर या धनिया की पत्ती अगर मिल जाए तो, वो नहीं मिले तो गोल धनिया सूखा हुआ जो रहता है वो 15-20 ग्राम गुदा भिगो कर रखें मिट्टी के बर्तन में और सुबह मसल कर छान कर पी जाएँ तो
अल्सरेटिव कोलाइटिस आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि अल्सर और सूजन जो आंखों में होते हैं, हमारे पाचन अंगों में होते हैं, वो हमारे खानपान की गड़बड़ी से होते हैं, और खानपान सुधारने से, हमारी आदतें सुधारने से ही ठीक हो सकते हैं। कोई भी गोली दवाई उसको बीमारी को खत्म नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता कि हम भयंकर एसिडिक चीज़ें, अम्ल पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें, मिर्च मसाला, तेज खट्टे, तेज मीठे, तेज गर्मा गर्म, तेज ठंडे, अति ठंडा, अति गर्म, अति जो भी स्वाद है उनको अति मात्रा में लेंगे तो हमारी आंतों में सूजन अल्सर होगा। साथ ही कुछ नशीली चीज़ें, एसिडिक चीज़ें, कोको कोला, पेप्सी जैसी चीज़ें, ये जो हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो इन चीज़ों से हमको छाले, घाव आंतों में होंगे, और कोई डॉक्टर हमारी आदत से होने वाली बीमारी को काट नहीं सकता। आदत कंटिन्यू है, गोली दवाई आप एक महीना दो महीना खाएंगे, कब तक खाएंगे गोली दवाई अगर आदत नहीं सुधारोगे तो ये डॉक्टरों का बाप है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, कब्ज जैसी बीमारियों का छुटकारा दिला देंगे। और इसके फूल, पत्ती, छाल और फलियों का गुदा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। फली का गुदा हमारे गुरुजी से भी मैं ये निवेदन करूँगा, वो गुदा आपको दिखाएंगे। अमलतास के फूलों से चटनी भी बनाई जा सकती है, सब्जी बनाई जा सकती है, गुलकंद बनाया जा सकता है, पाउडर बनाया जा सकता है इसके फूलों का, और पत्तियों की भी सब्जी मजबूरी में अगर फूल ना मिले तो बना सकते हैं। हमारे गुरुजी निकाल रहे हैं, गुदा बताएंगे आपको। और पेट रोग, सूजन, अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस, कब्ज, घाव आंतों में, पेट में हो तो लाभकारी। ये जो बीच के दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये शिलाजी जैसा, गुड़ जैसा, या द्राक्ष जब पकने पर होती है उस कलर का, ये सब नेचुरल शुगर होती है, इस कलर की दिख रहा है गुरुजी। इसको ऐसे भी खाया जा सकता है, मुँह में रखो तो चॉकलेट जैसा स्वाद आता है। चॉकलेट जैसा स्वाद, चॉकलेट जैसा अपन खाते हैं, डेयरी मिल्क वगैरह, डेयरी मिल्क जैसा स्वाद आता है अगर इसको आप ऐसे भी खाते हैं। हाँ गुरुजी बता रहे हैं कि डेयरी मिल्क जैसा स्वाद आता है अगर सीधे भी खा लिया जाए, लेकिन सीधे हर कोई खाएगा ये गारंटी नहीं। आप इसको भिगो कर रखें रात को और सुबह मसल कर छान कर पी जाए, क्योंकि हमको वैद्यों ने बताया तो हम उस तरीके का ही योग करें। ये गुदा आप गुरुजी के द्वारा देख रहे हैं, ये गुदा पेट रोगों की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ औषधियों में से एक है, और इसके जो साइड में बीज हैं वो ना खाएं, कृपया ध्यान रखें कि गुदा ही खाना है। और मान लीजिए फलिया इसकी 12 महीने लगी रहती है, गत वर्ष की फलिया लटक रही इसका, तो फलिया तो उपस्थित रहती है, इस पेड़ में टूटती नहीं आसानी से, तेज हवा आंधी में कभी कभी टूटती है, लेकिन ना भी मिले फलिया तो इन फूलों से गुलकंद, चटनी, मुरब्बा, चाहे सब्जी आप बना सकते, पाउडर बना के रखें और खाएँ। पत्तियों से भी हो सकता है, छाल से भी हो सकता है। जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम। चलते गुरु जी, जय श्री राम।